बुरहानपुर की, जहां पर एक तरफ सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर कई योजनाएं बना रही है, उन्हें स्कूल बुलाने के लिए मध्याह्न भोजन, गणवेश, पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर शासकीय स्कूल में बच्चे स्कूलों में रंग रोगन करते हुए आए हैं। मामला जिले के न्यातमपुर शासकीय स्कूल का है, जहां पर रंग रोगन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, यह बच्चे जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों और दरवाजों पर खड़े होकर रोगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के प्रधान पाठक से बात की गई तो वे मुकरते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार स्कूली बच्चे स्कूल की पुताई रंग रोगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे गेट के ऊपर हैं तो कुछ बच्चे गेट से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ घटनाएं होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये पूरी घटना बुरहानपुर की है, जहां पर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम करवाया जा रहा है, ये मजदूरी करवाई जा रही है बच्चों से। क्या नाम है तुम्हारा? ये कलर क्यों कर रहे थे आप स्कूल में? सर हम ऐसे कर रहे थे। करने बोला था? नहीं, खुद ही कर रहे थे। क्या करते स्कूल में? हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोले नहीं, कलरिंग करने वाले हैं ना आपका? स्वयं कलर लगाया था, लेकिन मैं इधर आ गया अर्जेंट काम से। बच्चे श्रम अभी क्यों कलर कर रहे थे सर? दान करना कोई बात थोड़ी है, स्कूल के लिए काम कर रहे। तो आप सही मानते हैं एक नहीं कई बच्चे कलर करते दिखाई दे रहे? नहीं, अब ये चंचल बच्चे भिड़ गए ब्रश लेके, और वो उनके पापा वगैरह भी पेंटर है, उनको थोड़ा। आपने नहीं कहा था ना? मैंने नहीं कहा, तो किसी ने रोका भी नहीं, टीचर ने, दूसरे टीचरों ने? सब पीरियड में थे, और अच्छा। मैं वहां पे कलर कर रहा था, इधर अर्जेंट काम से यहाँ आया, उठते वो बच्चे ब्रश लेके भिड़ गए। तो फिर रंगाई होने का फिर बिल बिल तो नहीं निकालेंगे आप? अरे गेट के चार पट्टे तो लगाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल जी, ये जो बच्चे काम करते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या स्कूल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, काम न करवाया जाए? अगर बच्चों के साथ में कोई अनहोनी घटना की होगी, और ये पूरा पूरा मामला जो है तस्वीरों में कैद हुआ है, और ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखी जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों से जो है मजदूरी कराई जा रही है, रंग रोगन का कार्य कराया जा रहा है। यदि हम बात करें कि जिस तरह से जिम्मेदारों के सामने ही बच्चे जो है यहाँ पर रंग रोगन का कार्य कर रहे हैं, और जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वो बिल्कुल साफ जो है इस बात से इनकार करते हैं कि इनसे मजदूरी नहीं कराई जा रही है, दो चार केवल ब्रश चलाए गए थे बच्चों के द्वारा। लेकिन आखिरकार इस तरह का जो है मजदूरी का मामला यदि स्कूल में कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। और इस बात को जिस तरह से यदि हम बात करें कि शासन प्रशासन जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जो है बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास कर रहा है, स्कूल उन्हें मध्याह्न भोजन, उन्हें गणवेश, उन्हें पुस्तकें देकर जो है पढ़ाने की बात की जा रही है, उनके प्रति जो है एक अच्छी कि बच्चे जो है पढ़ लिख पैरों पे खड़े हो सकेंगे, लेकिन आखिरकार जिस तरह से स्कूल में मजदूरी कराई जा रही है तो ये एक जो है शर्मनाक बात है। मामले को लेकर जब प्रधान पाठक से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया। क्या डीईओ जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या उनसे आपका संपर्क हुआ है, और उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से हम जो है डीओ कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन डीओ कार्यालय में कहीं ना कहीं कोई बाहरी कार्य से जो है जिला शिक्षा अधिकारी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, वे शासकीय कार्य से दौरे पर थे, जिसके चलते उनसे भी इस मामले में कोई बातचीत नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह से मामला संज्ञान में दिया जाएगा तब निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार की कार्रवाई होना निश्चित है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए गोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर बुरहानपुर से है, जहां पर एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई एजुकेशन को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, सरकार तमाम योजना चला रही है, लेकिन जब बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है तो बच्चों से किस प्रकार से मजदूरी कराई जा रही है, काम करवाया जा रहा है, ये तस्वीरों में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कार्रवाई करेंगे, या इस मामले को भी ठीक
ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।